राजधानी पटना के संपर्क इलाके में महज 24 घंटे के अंदर दो हत्या हो जाने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों ने कल सुबह गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिपतपुर निवासी विकास कुमार उर्फ चोचो की गौरीचक थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दिया था, जहां त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपर्क निवासी चंदेश्वर केवट का पुत्र नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आज गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिपतपुर में ही बाइक सवार दो अपराधियों ने पटना के मराची निवासी 30 वर्षीय आलोक कुमार सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। आनंद फानन में पुलिस ने घायल आलोक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया। वहीं इस संबंध में सदर SDPO सत्यकाम ने बताया कि पटना के मराची निवासी आलोक कुमार अपने सीमेंट के दुकान पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार दो अपराधियों ने फायरिंग कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है, वहीं अपराधियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आज दिनांक 6/5/2024 को सुबह करीब 11 बजे गोपालपुर थाना को सूचना मिली कि सीमेंट दुकान में, गोपालपुर थाना स्थित एक सीमेंट लोहे के दुकान में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपालपुर पुलिस वहां पहुंची तो पता चला है कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए फोर्ट अस्पताल रामकृष्णा नगर ले जाया गया है। घायल व्यक्ति का नाम पता आलोक कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता सतीश प्रसाद, ग्राम बरांची, जिला पटना के रूप में पता चला। ये मृतक बाद में इलाज के क्रम में उनको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक व्यक्ति वर्तमान में गोपालपुर थाना क्षेत्र के श्रीपतपुर गांव में सीमेंट और बालू के दुकान में अपने जीजा के साथ रहते थे और वहीं काम करते थे। वहीं पे दो अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें गोली मारी गई, जिनका बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा वर्तमान में अग्रतर तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस कांड के अभियुक्तों के खिलाफ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।